नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। प्रत्यारोपण के जरिए आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी लगवाने वाले प्रथम इंसान की मृत्यु हो गई है। वेनेजुएला ऐसा पहला देश हो सकता है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएं। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOW एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 20 साहित्यिक कृतियां शामिल की गई हैं। इनमें 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को भी शामिल किया गया है। ये हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन। इन कृतियों को सूची में शामिल करने का निर्णय मंगोलिया के उलान बाटर में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी MOWCAP की 10वीं बैठक में लिया गया। खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यूनेस्को के MOW प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1992 में शुरू किया गया था। इसमें 3 तरह के रजिस्टर शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रजिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत की कई कृतियां शामिल हैं, जैसे तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, शैव पांडुलिपियां, ऋग्वेद आदि। इस प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्यों की बात करें तो विश्व भर के दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित रखना, इन दस्तावेजी विरासत तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना और दस्तावेजी विरासतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना शामिल है। चलिए अब सूची में शामिल 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों के बारे में जानते हैं। पहला है रामचरितमानस। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। यह अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है। इसमें रामायण से जुड़ी हुई घटनाओं का काव्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा है पंचतंत्र। यह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित एक विख्यात ग्रंथ है। यह जीवंत भारतीय दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। यह 5 भागों से मिलकर बना है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी विशेषता कहानी के भीतर कहानी की प्रस्तुति है। और आखिर है सहृदयालोक लोकन। यह आचार्य आनंद वर्धन द्वारा संस्कृत में लिखित और भारतीय काव्य शास्त्र की एक कालजयी रचना है। दार्शनिक अभिनव गुप्त ने इस पर एक भाष्य लिखा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI नामक एक थिंक टैंक ने व्यापार संबंधी डेटा जारी किए हैं। डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $118.4 बिलियन तक पहुंच गया। इस तरह वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GTRI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 के बीच चीन को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 0.6% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वही चीन से होने वाले आयात में 44.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए खबर के शुरुआत में चीन से आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता से जुड़ी चिंताओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा। चीन इस आयात निर्भरता का इस्तेमाल भारत पर राजनीतिक दबाव डालने या अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए एक टूल के रूप में कर सकता है। यह स्थिति सीमा विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के प्रयासों को जटिल बनाएगी, क्योंकि वार्ताओं में चीन सौदेबाजी कर सकता है। इसके अलावा भारत दूर संचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी चीनी प्रौद्योगिकी और उपकरणों के आयात पर निर्भर है। इससे चीन की ओर से साइबर युद्ध के मामले में भारत पर अधिक खतरा बना रहेगा। गौरतलब है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 43.9% है। इसमें दूर संचार क्षेत्र में होने वाले आयात भी शामिल हैं। अगली चिंता है सामरिक स्वायत्तता पर प्रभाव। इस तरह की स्थिति से दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के
पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने या कम करने में भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बाद है सप्लाई चेन से जुड़ा खतरा। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर चीन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। यदि चीन APIs की आपूर्ति में बाधा खड़ी करता है तब भारत में दवाइयों का उत्पादन प्रभावित होगा। अन्य चिंताओं की बात करें तो चीन से सस्ती वस्तुओं के अधिक आयात जारी रहने से भारत के घरेलू उद्योगों की विनिर्माण और विकास क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सस्ते उत्पादों के समक्ष भारत में विनिर्मित महंगे उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। आइए अब चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई है। इसके अलावा देश में ही विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजनाएं शुरू की गई है। ये योजनाएं चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुरू की गई है। बल्क ड्रग पार्क्स की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे चीन से API के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके साथ ही चीन से सस्ते उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए समय समय पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दोनों देशों ने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एवं निवेश के बेहतर अवसर भी सुनिश्चित होंगे। चाबहार विदेश में स्थित उन बंदरगाहों में से एक है जिसका प्रबंधन भारत द्वारा किया जाएगा। ऐसा अन्य बंदरगाह म्यांमार का सितवे बंदरगाह है। चलिए सबसे पहले चाबहार बंदरगाह के बारे में जानते हैं। यह ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में मकरान तट पर होर्मूज जल डमरू मध्य के आगे ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। मकरान तट ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह सीधे समुद्री क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करने वाला ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है। चाबहार बंदरगाह परियोजना में दो टर्मिनल हैं यानी शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी। साथ ही चाबहार बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। INSTC वस्तुतः 7200 किलोमीटर लंबी एक मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है। यह परियोजना हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ती है। इसके आगे यह रूस में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग के जरिए उत्तरी यूरोप को भी जोड़ती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व समझते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलित करने में सहायक है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के चलते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत के पश्चिमी तट यानी कांडला बंदरगाह से चाबहार तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। गौरतलब है कि इन देशों के बीच की दूरी केवल 550 समुद्री मील है। यह छोटा परिवहन मार्ग यूरोपीय देशों के साथ भारत की व्यापार क्षमता को और बढ़ाने में भी सहायता करेगा। अंत में चाबहार बंदरगाह का पूरी तरह से लाभ उठाने में विद्यमान चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान पर लागू अमेरिकी प्रतिबंध से इस परियोजना को पूरा करने में उपकरणों की आपूर्ति करने वाले और अन्य साझेदार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाबहार बंदरगाह के शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीन की प्रस्तावित भागीदारी से भारत के हित प्रभावित होंगे। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। प्रत्यारोपण के जरिए आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी लगवाने वाले प्रथम इंसान की मृत्यु हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में किसी जानवर के जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक मानव में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इन्फ्यूजन किया जाता है। गौरतलब है कि प्रायः अंग प्रत्यारोपणों कराने वाले रोगियों की संख्या अधिक और डोनर अंगों की उपलब्धता कम होती है। इसी के चलते ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की गई। आइए अब जानते हैं आखिर जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए अक्सर सुअरों के अंगों का उपयोग क्यों किया जाता है। सुअर के अंगों का आकार, शारीरिक चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली काफी हद तक मनुष्यों के समान है। सुअर के जिन अंगों का उपयोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जा सकता है उनमें हृदय, लिवर, फेफड़े आदि शामिल है। 2022 में सुअर के आनुवांशिक रूप से संशोधित हृदय का पहला जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। पिग फार्म में सुअरों का प्रजनन काफी प्रचलित है और इसमें लागत भी कम आती है।
ऐसे फार्म्स में सुअरों की अलग अलग प्रकार की नस्लों का विकास किया जाता है। ये फार्म सुअरों में इंसान की विशिष्ट जरूरत से मिलान वाले अंगों के विकास का अवसर उपलब्ध कराते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया के लिए जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी क्रिस्पर कैस 9 का उपयोग किया गया था। इस प्रौद्योगिकी के जरिए शर्करा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार सुअर के विशिष्ट जीन को समाप्त किया गया। इससे प्रतिरक्षा प्रणालियों को सक्रिय करने में मदद मिली थी। इसमें सुअर के अंगों को मानव शरीर प्रणाली के अनुकूल कार्य करने के लिए निर्धारित मानव जीन को जोड़ा गया था। चलिए अब अंगदाताओं के रूप में आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअरों के बारे में जान लेते हैं। जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए नए जीन को जोड़ने और पुराने जीन को हटाने से सुअर की आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाएं निर्मित होती है। इनका उपयोग सुअर के भ्रूण बनाने में किया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअरों को नियंत्रित बायोसील्ड परिवेश में पाला जाता है। वयस्क सुअर से विकसित अंग निकाला जाता है और रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है। रोगी को अपने शरीर को प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार करने से रोकने के लिए इम्यूनोस प्रेसेंट दवाएं लेते रहना आवश्यक होता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लाभ के बारे में बात करें तो जानलेवा रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए वैकल्पिक स्रोतों से अंगों की आपूर्ति संभव होती है। इसके अलावा प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। खबर के अंत में मुख्य चिंताओं की बात कर लेते हैं। पहली चिंता की बात करें तो जानवरों के अंगों को मानव शरीर द्वारा अस्वीकार करने की दर अधिक है। किसी जानवर के अंग से मानव में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को पशु कल्याण के विरुद्ध माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। वेनेजुएला ऐसा पहला देश हो सकता है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएं। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव यानी ICCI के अनुसार वेनेजुएला के हम्बोल्ट नामक आखिरी ग्लेशियर का आकार इतना सिकुड़ गया है कि वह अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। गौरतलब है कि वेनेजुएला का यह ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आपको बता दें ICCI पृथ्वी के क्रायोस्फीयर के संरक्षण हेतु कार्य करने वाला विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। यह देशों एवं संगठनों के सहयोग से अपना कार्य करता है। हिम और स्थलीय हिमावरण, आइस कैंप्स, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट और समुद्री हिमावरण वाले क्षेत्र क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। ग्लेशियर हिम और बर्फ के विशाल भंडार होते हैं जो स्थलीय भाग पर ढलान की दिशा में मंद गति से आगे बढ़ते रहते हैं। मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जल के गर्म होने आदि के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इनसे अल्पाइन जैसे हिंदू कुश हिमालय और आइस शीट जैसे अंटार्कटिका दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। चलिए अब ग्लेशियर पिघलने के प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है समुद्र जल स्तर में वृद्धि। नासा के अनुसार यदि सभी ग्लेशियर और आइस शीट्स पिघल जाते हैं तो वैश्विक समुद्र जल स्तर 60 मीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। इससे तटीय क्षेत्रों में अपरदन बढ़ेगा और तूफानों एवं चक्रवातों से अधिक नुकसान भी होगा। दूसरा है जैव विविधता की हानि। वालरस के पर्यावास नष्ट हो रहे हैं और ध्रुवीय भालू हिमावरण रहित भूमि पर अधिक समय बिताने को विवश हैं। इससे मानव और ध्रुवीय भालुओं के बीच टकराव की दर बढ़ रही है। आपदाओं की बात करें तो हिमालय जैसे क्षेत्रों में हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ की घटनाएं और बढ़ जाएंगी। गंगा जैसी प्रमुख नदियों में जल की उपलब्धता में कमी आएगी। इससे मत्स्य और पोत परिवहन जैसी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। खबर के अंत में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर किए गए उपाय जानते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा हिंदू कुश हिमालयन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम यानी HIMAP शुरू किया गया है। यूनेस्को ने वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज शुरू की हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया गया है। चलिए आखिर में भारत में किए गए उपाय भी जान लेते हैं। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। यह 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC का हिस्सा है। 2016 में हिमाचल प्रदेश के चंद्रा बेसिन में हिमांश नामक एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC ने विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की।
खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2015 से 2021 के दौरान अवैध व्यापार के मामले में जानवरों या जीवों में गैंडे और पादपों में देवदार सबसे ज्यादा प्रभावित प्रजातियां थी। 2015 से 2021 के दौरान अवैध व्यापार से संबंधित उत्पादों की जब्ती के मामले में सर्वाधिक संख्या प्रवालों की थी। इसके बाद मगरमच्छ और हाथी से संबंधित उत्पादों का स्थान था। इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध व्यापार के तहत जीवों की जब्ती में 2015 से 2019 तक धीरे धीरे वृद्धि हुई थी और फिर 2020 एवं 2021 में इसमें गिरावट हुई। इस संबंध में पादप प्रजातियों की जब्ती में 2020 और 2021 में तीव्र वृद्धि हुई थी। वन्य जीव अपराध के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए वन्य जीवों और पादपों या उनके हिस्सों या उनसे बने उत्पादों को रखने, उनका व्यापार करने या एक जगह से दूसरी जगह भेजने या उपयोग करने को वन्य जीव अपराध माना जाता है। चलिए अब वन्य जीव अपराध को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वन्य जीवों को पालतू जीव बनाना, बुशमीट, सजावटी पौधे की मांग आदि। इसके अलावा ब्लैक मार्केट में किसी महत्वपूर्ण पादप और वन्य जीव एवं उनके अंगों को बेचने से अवैध कारोबारियों को भारी मुनाफा होता है। भ्रष्टाचार के चलते वन्य जीवों के अवैध पालन, व्यापार और उपयोग पर लगे सरकारी प्रतिबंध बेकार हो जाते हैं, जिससे वन्य जीव अपराध को बढ़ावा मिलता है। आइए अब वन्य जीव अपराध के प्रभावों के बारे में समझ लेते हैं। पहला है पर्यावरण पर प्रभाव। अलग अलग कार्यों के लिए वन्य जीव प्रजातियों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, इससे इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके अलावा अवैध तस्करी की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशज आक्रामक प्रजातियां प्रवेश कर रही है, इससे देशज प्रजातियों पर खतरा बढ़ रहा है। गौरतलब है कि जब्त किए गए 40% जीव IUCN रेड लिस्ट में या तो थ्रेटेंड या नियर थ्रेटेंड श्रेणी में वर्गीकृत थे। अगला है आर्थिक प्रभाव या मनी लॉन्ड्रिंग और देशों के बीच गैर कानूनी धन की आवाजाही को बढ़ावा देता है। और अंत में सामाजिक प्रभाव, जीवित जीवों व वन्य जीवों के मांस तथा पादपों से इंसानों में रोग के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। साथ ही इससे वनों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, दवाइयां, ऊर्जा जैसे संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। खबर के अंत में वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमों की बात करें तो UNODC वन्य जीव और वन से जुड़े अपराध से निपटने के लिए वैश्विक कार्यक्रम 2014 चला रहा है। गौरतलब है कि UNODC की स्थापना 1997 में वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी। इसका उद्देश्य ड्रग्स की अवैध तस्करी और संगठित अपराध से निपटना है। इसके अलावा विश्व भर में जानवरों के गैर कानूनी शिकार पर अंकुश लगाने के लिए वन्य जीव अपराध पहल आरंभ की गई है। यह वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क यानी ट्रैफिक और विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। भारत में उठाए गए कदमों की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया है। इसमें वन्य जीव अपराध को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का प्रावधान है। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य वन्य जीव से जुड़े अपराध से निपटना है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है क्रोएशिया। इस देश की राजधानी है जाग्रेब। आपको बता दें कि क्रोएशिया के मौजूदा प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने। चलिए अब इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसकी सीमा उत्तर में हंगरी और स्लोवेनिया से, पूर्व में सर्बिया से, दक्षिण पूर्व में बोस्निया एवं हर्जेगोविना से तथा पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला दिनारिक आल्प्स, जो कास्ट स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का उच्चतम बिंदु दिनारा पर्वत है। प्रमुख नदियां सावा और द्रावा है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। इसे 2022 में GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। यह एक्सचेंज IFSC प्राधिकरण की देखरेख में कार्य करता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विद्यमान कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए PM गतिशक्ति पोर्टल से जुड़ गया है। मार्च 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक औसत सांद्रता मार्च 2023 की तुलना में 4.7 पार्ट्स पर मिलियन अधिक थी। यह किलिंग कर्व में उच्च वृद्धि को दर्शाती है। पहली बार महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट देखी गई। लेपर्ड कैट जंगलों में रहने वाली यह बिल्ली फेलिडे कुल से संबंधित है। यह तेंदुए जैसे रंग के लिए विख्यात है। दक्षिणी राजस्थान से सेमल के वृक्षों के लुप्त होने से वनों एवं आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चीन हाई एनर्जी फोटोन सोर्स यानी HEPS बनाने की योजना बना रहा है। इससे चीन विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास चौथी पीढ़ी के सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स हैं। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 70 सिंक्रोट्रॉन मौजूद हैं। हालांकि कुछ ही देशों जैसे स्वीडन ब्राजील फ्रांस आदि के पास चौथी पीढ़ी के सिंक्रोट्रॉन हैं। नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का लक्ष्य हमारे भारी सौर मंडल से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के शोर तक हर चीज का पता लगाना है। प्रबल सोलर स्टॉर्म के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने से लद्दाख के हानले गांव में रात्रिकालीन आसमान उत्तरी ध्रुवीय ज्योति से जगमगा उठा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।